मीठे रस से भरी ओरी राधा रानी लागे महारानी लागे मरे करो करो जमुना जीनो पानी लागे तुम्हारे करो खारो जमुना जीरो पानी लागे क्यों ते मेरा अंधस्य ज्ञाना मेरा सराका रक्षरम रिथमेना तस्मे श्री गुरुवे नमः नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सदि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा सभी भक्तों को मेरा प्रणाम हरे कृष्णा। तो कल हम लोग बहुत सुंदर वृंदावन के भगवान की लीलाओं को सुन रहे थे, कैसे भगवान वृंदावन में आते हैं कृपा करके, भगवान जीवात्माओं से इतना प्रेम करते हैं, हम उनको बिछुड़ के इस दुनिया में आए छोड़ के, फिर भी हमसे इतना प्रेम करते हैं कि भगवान हमें अपनी ओर बुलाने के लिए अलग अलग मार्ग रचते हैं। एक छोटा बच्चा होता है, एक बार मैं एक छोटे बच्चे का अनुप्रश्न कर रहा था, तो वृंदावन के आए हुए सोम पापड़ी थी, मैं उसके मुंह में डाल रहा था, ले नहीं रहा था, फिर किसी प्रकार से उसको जब डाली गई तो उसको अच्छा लगने लगा, पहले खा नहीं रहा था लेकिन जब उसको टेस्ट आया तो बोला पूरा खाने लगा। तो वैसे ही जीवन में भगवान आके हमें क्या करते हैं, थोड़ी अपनी वृंदावन लीला करके उत्साहित करते, आओ वृंदावन आओ मेरी लीला में भाग लो। इसलिए भगवान के धाम है ये बहुत ही विशेष होते हैं, जैसे मायापुर धाम बहुत ही अद्भुत धाम है, यहाँ पर केवल जाने मात्र से आदमी की भक्ति ललाहित होने लगती है, प्रकट होने लगती है। यहाँ पर अनेक अनेक महात्माओं ने आके भजन किया है, तो धाम की पुण्य भूमि का क्या होता है, बड़ा प्रभाव होता है जीवन में। तो भगवान वृंदावन में सुंदर लीलाएं कर रहे थे, तो हम लोग उससे पढ़ेंगे आगे कि कैसे भगवान वृंदावन में जब लीला कर रहे थे तो एक बार उनके पिता नंद महाराज क्या कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। तो थोड़ा सा नीचे करना, एक बार नीचे कीजिए। हाँ, तो भगवान के पिता नंद महाराज क्या कर रहे थे, एक बार यज्ञ कर रहे थे, परंतु भगवान कृष्ण ऐसे थे कि उन्होंने अपने पिता नंद महाराज को भी इंद्रदेव की पूजा करने से निरुत्साहित किया, क्योंकि वे इस तथ्य को प्रतिष्ठित करना चाहते थे कि लोगों को किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें एकमात्र परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनका चरम लक्ष्य भगवत धाम को वापस जाना है। तो आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। तो हम देखते कैसे पोपा जी बता रहे हैं कैसे भगवान स्वयं अपने उदाहरण से सिखाना चाह रहे थे कि कोई अगर देवी देवता की पूजा नहीं भी करे, केवल कृष्ण की पूजा करे, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। भगवान जब ब्रज में आए तो इस बात की पुष्टि करना चाहते थे। तो
क्या हमें देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए? हम उनका सम्मान कर सकते हैं, लेकिन हमें पूजा कृष्ण की करनी चाहिए, भजन कृष्ण का करना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आए और उनके साथ मान लीजिए चीफ मिनिस्टर भी है, तो आपको माला किसको पहनानी होगी? सबसे पहले मोदी जी को। चीफ मिनिस्टर का पहना है तो अच्छी बात, नहीं पहना है तो भी कोई बात नहीं है। अगर आप मोदी जी को पहनाएंगे तो चीफ मिनिस्टर का भी आदर हो गया। तो वैसे अगर आपके घर में आप कृष्ण की पूजा करते हैं तो बाकी सब देवी देवताओं की पूजा अपने आप हो जाती है। लेकिन फिर भी कोई अगर देवी देवताओं की पूजा करना चाहे तो कर सकता है। कृष्ण के जैसे कोई मंदिर में कृष्ण की भी पूजा हो रही है, शिव जी की भी पूजा हो रही है, कृष्ण की मेन पूजा हो रही है और शिव जी का छोटा जगह पे पूजा हो रही है, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जरूरत नहीं, समझ रहे हैं? क्योंकि आप कृष्ण की जब पूजा करें तो अपने आप सब लोग आपको कृपा कर देंगे। तो भगवान ने क्योंकि कभी कभी भगवान ने इस लीला में ऐसा वर्णन किया कि एक बार भगवान ने देखा कि इंद्र देव को थोड़ा क्या आ गया, अहंकार आ गया है। इंद्र देव किसके समान है? देवता लोग किसके समान है? ये लोग जिस प्रकार से अगर बैंक में मान लीजिए आप पैसा जमा करते हैं, तो कोई कैशियर से आप जाके आपका अकाउंट चेक पैसा आया 2 लाख रुपए आप जाके निकालना चाह रहे हैं, तो क्या कैशियर पैसा दे रहा है आपको? आपका ही पैसा है, लेकिन कैशियर केवल एक माध्यम है। लेकिन कैशियर सोचने लगे मैं पैसा दे रहा, तो ये गलत फहमी है। कैशियर केवल क्या बन रहे? एक माध्यम बन रहे, समझ रहे? तो वैसे देवी देवता क्या एक माध्यम है। हम लोग कुछ पर्टिकुलर प्रोसेस करते हैं तो हमें वो कृपा देने के लिए बाध्य होते हैं। लेकिन कैसे सोचेगा, नहीं मेरी इच्छा होगी तो 2 लाख दूंगा तो नहीं दूंगा, तो ये गलत सोच विचार है। तो भगवान ने देखा इंद्र देव को लगने लगा है कि उनकी कृपा से बारिश होती है। वो बारिश के इंचार्ज थे। जैसे अकाउंट्स में कोई अगर मान ली बैंक में पैसा निकालने जा रहा है, जो कैशियर है वो पैसे का इंचार्ज है, पैसा उसका नहीं है। वो 2 लाख रुपए किसी को दे रहा है, ऐसा नहीं कैशियर का पैसा है, बैंक का पैसा है। वैसे ही कोई आदमी अगर देवताओं की पूजा करता है तो ऐसा नहीं देवता कुछ देते हैं, देते कृष्ण ही है। देते कौन है? कृष्ण ही। उन देवताओं पर श्रद्धा भी कृष्ण देते हैं और फल देते समय भी कृष्ण ही फल देते हैं। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि तो भगवान ने देखा इंद्र को थोड़ा थोड़ा घमंड होने लगा कि वो देते हैं। तो भगवान ने क्या किया, अपने भक्त को, इंद्र भी भक्त थे, उनके अंदर अभिमान आ गया। तो भगवान को अभिमान प्रिय नहीं है। अगर किसी भक्त में अभिमान आ जाता है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, तो भगवान बोलते ठीक है, हरे कृष्णा पता चलेगा। एक बार एक राजा थे, उनकी इच्छा हुई, उन्होंने अपने मिनिस्टर पूछा पता करो, मुझे पता करना है कि भगवान क्या करते हैं, मुझे कल सुबह तक बताओ तो गला काट दे। कच्चा बात यार, राजा लोग पागल होते थे। मिनिस्टर परेशान हो गया बेचारा कि भाई मेरा तो गला अभी कुर्बान हो जाएगा। तो जंगल से जाया था एक महात्मा जी, बोले बोले क्या चिंतित क्यों हो? बोलो महात्मा जी ऐसे ऐसे मेरा सुबह गला काटेगा। पूछ रहा है राजा कि भगवान क्या करते, मेरे को क्या बता। बोले ठीक है ठीक है, टेंशन मत लो, मैं बता दूंगा। बोले ठीक है आप आ जाइएगा सुबह 9 बजे। तो महात्मा जी प्रकट हो गए वहां पर और मिनिस्टर बहुत खुश हो गया कि महात्मा जी आ गए और आंसर देंगे। राजा बोले बताओ भगवान क्या करते। तो मिनिस्टर बोला महात्मा जी बताएंगे। महात्मा जी कुछ बोल ही नहीं रहे। मिनिस्टर बोला शौक बोला चकित हो गया, भाई बोले थे बचाएंगे हम उत्तर देंगे तो खुद ही नहीं उत्तर दे रहे, अब तो मेरा गला गया, बड़ा चिंतित। तो महात्मा जी कुछ नहीं बोल, राजा बोले रे बताओ, बताइए महात्मा जी कि भगवान का क्या कर्तव्य है। कुछ बोल ही नहीं रहे साधु जी। 2-3 बार उसी लाए लगे, राजा बोले मिनिस्टर को भाई क्या हुआ तुम? बोला मिनिस्टर साधु बोले बोल ही नहीं रहे। बोले महात्मा जी बताइए भगवान का क्या कर्तव्य है, मेरी जानने की बड़ी इच्छा। महात्मा कुछ बोल ही नहीं। तो मिनिस्टर पूरा घबरा गया, महाराज आप कुछ उत्तर नहीं दे रहे तो हमको राजा मार देगा।
मिनिस्टर ने राजा को समय में कल रात को तेरे बोले से उत्तर दे देंगे। तो राजा को उनका भाव देख के लगा कि उनमें ज्ञान है, तो महात्मा जी बोल क्यों नहीं रहा। तो महात्मा जी बोलना चालू किए कि देखो, अगर तुम किसी से ज्ञान लेते हो दुनिया में तो ऊपर होना चाहिए कि नीचे होना चाहिए? बोलो तो ऊपर होना चाहिए। तुम किधर हो अभी? बोलो मैं तो ऊपर हूं। मैं किधर हूं? मैं नीचे। आ मैं कैसे ज्ञान दू? बोला गलती हो गया, गलती हो गया, आप ऊपर आइए महाराज। उसको उसने राजा के सिंहासन में बिठा दिया, बैठे महाराज, और वो नीचे आ गया। महाराज बताइए भगवान का क्या कर्तव्य आप? तो फिर महाराज शांत हो गए, साधु महात्मा एकदम। बोले महाराज अब तो बता दीजिए, अब तो आप ऊपर हम नीचे हैं, अब तो बताइए भगवान का क्या कर्तव्य। और मिनिस्टर भी परेशान हो गया, राजा भी परेशान, कैसा साधु है भाई, बोलता ही नहीं। बोलते महाराज अब तो बता दीजिए कि साधु का भगवान का क्या कर्तव्य। मिनिस्टर के आंख में आंसू आने लगा कि हमारा गला जाएगा यार, समझ रहे क्या करे क्या नहीं करे। राजा भी परेशान की बता क्यों नहीं रहे। तो राजा मिनिस्टर साधु ने बोला कि हमने तो उत्तर दे दिया। बोले क्या? बोले हमने उत्तर दे दिया, हम सुनाई नहीं दिया हमें क्या उत्तर। बोले यही भगवान का कर्तव्य। बोले क्या कर्तव्य? बोले यही कर्तव्य। बोले क्या कर्तव्य? देखो जो अभी आपके साथ हुआ वही कर्तव्य। भगवान क्या करते हैं, जो लोग बहुत घमंडी हो जाते हैं, अहंकारी हो, तो वो नीचे उठा रहे, और जो लोग बहुत विनम्र तो उसको ऊपर उठा रहे। भगवान का कर्तव्य, अगर जिसके जीवन में अहंकार आ जाए कि मैं बहुत बड़ा हूं, तो भगवान बोलेगा ठीक है हरे तो नीचे आ जाओ, और जब बहुत विनम्र होता है तो आदमी उसको ऊपर चढ़ा देते हैं भगवान। तो इंद्रदेव जो भगवान के भक्त थे, उनको क्या आ गया, थोड़ा अहंकार आ गया कि मैं देता हूं, मेरे इच्छा से क्या होता है सब लोग को बारिश। वो इंचार्ज भी थे, जैसे कैशियर देता ही पैसा बेचारा, लेकिन इसका कैशियर को ये नहीं सोचा मैं देगा, बैंक मुझे निर्धारित किए, मैं माध्यम हूं, मैं क्या हूं। लेकिन इंद्र सोचने लगे मैं ही करता हूं, भगवान कृष्ण देते हैं लेकिन इंद्र केवल माध्यम है। लेकिन इंद्र को लगने लगा मैं ही। भगवान ने देखा कि मेरे भक्त के जीवन में क्या गया, थोड़ा गलत विचार आ गए। भगवान तो भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। तो भगवान ने इंद्रदेव को मदद करने के लिए क्या किया, एक लीला रचित की, और जितने भी ब्रजवासी थे वो इंद्र पूजा कर रहे थे। ये इंद्र पूजा दिवाली के अगले दिन होती थी, तो सभी लोग बहुत तैयारी कर रहे थे जोर शोर से, एकदम बहुत सारी मिठाई बनाई जा रही थी। कृष्ण छोटे 7 साल के बालक थे, उन्हें पूछा बाबा बाबा ये क्या चल रहा है। छोटा बच्चा बोल रहा है कौन ध्यान दे, तो ध्यान कोई नहीं दे रहा था, लेकिन उसने देखा यशोदा मैया बहुत कुकिंग कर रही, ये चल रहा है वो चल रहा है, कुछ को बताया नहीं जा रहा है। तो भगवान ने बोला ए पापा पापा आप क्यों नहीं बता रहे क्या चल रहा है। बेटा तुम समझेगा नहीं, ये सब घर वालों से छुपाना नहीं चाहिए, बाजार वालों से छुपाइए, हमसे क्यों छुपा रहे, हम तो अपने घर वाले। तो भगवान इतना मधुर बोलने लगे कि बेचारे नंद महाराज पिघल गए। बोले बेटा हम लोग इंद्रदेव, हम उनकी पूजा करें, उनके लिए यज्ञ करें। बोले क्यों? बोले इंद्रदेव हम बारिश देते, बेटा बारिश नहीं होगी तो हम लोग कैसे फसल उगाएंगे, कैसे घास उगेगी, कैसे हमारी गौ का संरक्षण होगा, इसलिए इंद्रदेव को हम लोग क्या देते हैं, उनके लिए पूजा करते हैं, इंद्र यज्ञ करते हैं। अब कृष्णा इंद्र की ओर देख के बोलने लगे पापा इंद्र की पूजा करने की क्या जरूरत है। बोले भाई वही देते, वही बारिश देते। बोलता अच्छा इंद्रदेव बारिश देते, दिखाई तो नहीं देते। बोले बेटा दिखाई नहीं देते, लेकिन वो इंचार्ज देवता है भाई, वही देते हैं बेटा। बोले पापा इंद्रदेव देता है तो फिर क्या सब उसी को देता है क्या जो उनकी पूजा करते हैं। बेटा पूजा करना हमारा कर्तव्य, तो फिर पाकिस्तान में कौन देता है, वहां तो इंद्र की पूजा कोई नहीं करता। समझ रहे और क्या चिरापुंजी में सबसे बड़े इंद्र इंद्र के भक्त है क्या, वहां तो बहुत सबसे ज्यादा बारिश चिरापुंजी में होती है, तो वहां इंद्रदेव की रात दिन पूजा होती है क्या। ऐसे ऐसे क्वेश्चन दागने लगे, भगवान तो ऐसा दागते तो कान कौन उत्तर देगा, कोई उत्तर दे नहीं पाता, क्या करे नहीं करे वो समझ में नहीं आ रहा। अब ऐसा घुमाया नंद महाराज को, बोले बाबा बाबा जरूरत नहीं इसकी, इंद्र को दिखा दिखा जरूरत नहीं पूजा करने की, कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा, ऐसे कुछ नहीं होता है। समझ रहे आप लोग को गोवर्धन की पूजा करनी, गोवर्धन हमें क्या देता है, हरी हरी घासें देता है,
गोवर्धन कितना अच्छा है, हमें इसकी खा। और गोवर्धन हमारा खाएगा। आपका इंद्र कभी खाया क्या आज तक? आप लोग इतना पूजा किया, कभी इंद्र आया क्या, खाया क्या? नहीं बेटा, देखे नहीं हम लोग। तो फिर आप लोग यही बोले, ठीक है बेटा। अब उनको तो पता था नंद महाराज को, बेटा गलत बोल रहा है कि इंद्र तो देवता है, उनकी पूजा करना उचित है। लेकिन अब बच्चा इतना बोलने लगा तो क्या करते, उनका इतना प्रेम था कृष्ण से। बोले बेटा ठीक है, अभी ये यज्ञ हो जाने दो, गोवर्धन के लिए भी कर। बोले नहीं नहीं यही वाला तुरंत गोवर्धन को दे, बार बार इंद्र को दे, यही वाला देना, यही वाला देता है। समझ रहे? आप बेचारे इंद्र को इधर आग बबूला हो रहे, नहीं बेटा मेरा वो हरी बोल कर दिया है, कैसे चल रहा है? बोला हाँ पापा, इसी को उठा के हम लोग गोवर्धन को पूजा। अब ब्रजवासियों को पता था कि अगर ये यज्ञ कृष्ण इंद्र को अर्पित नहीं करेंगे तो इंद्र बहुत गुस्सा हो जाएंगे, परेशान करेंगे। लेकिन फिर भी उनके इतना प्रेम था कृष्ण से कि कृष्ण के लिए हम कुछ भी कर सकते। उन्होंने वही यज्ञ की सामग्री पकवान किसको अर्पित कर दिए, बहुत बड़ा उत्सव हुआ, सबको प्रसाद बांटा। इधर न्यूज इंद्रदेव के पास पहुंचा तो आग बबूला हो गया, उसने संवत्सर को बुलाया, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, इधर आओ इधर आओ, वृंदावन के वासी लोग अहंकारी हो गए, हाँ वो लोग अपना को हीरो समझता है, वो छोटा सा बच्चा, वो बचवा 7 साल का बच्चा, बाचाल है, बहुत बोलता है, बहुत बोलता है, अपना को हीरो समझता है। उसके बोलने पर भका मेरा पूजा बंद कर दिए, ये लोग हम सबक सिखाएगा, ये लोग हम जला के राख कर देगा, पानी बुझा दे, ये लोग क्या समझ लिया है, मेरा पूजा बंद कर दिया है, ये छोटा बालक बोलने से, ये बाचाल बालक। ऐसे करके इंद्र पूरा गुस्सा हो गए, उन्होंने क्या किया, भेज दिया किसको, संबर तक जाओ, पूरा ऐसा बारिश करो जो पृथ्वी के अंत में जब संहार होता है उस समय ऐसी बारिश होती है, उससे भी खतरनाक करो, एक आदमी बच नहीं पाए। इंद्र जब देखे आदमी क्रोधित होता है तो कुछ नहीं सोचता है, अरे छोटा सा उसके बोलने पर पूजा बंद की गई थी, लेकिन उसने क्या किया, उतना बड़ा ऑर्डर छोड़ दिया कि सबको मार दो। अहंकार आदमी को अंधा बना देता है। जब आदमी के अंदर मान की लालसा होती है कि मुझे लोग सम्मान करें, तो फिर आदमी अपने सम्मान के लिए दूसरे को मार देता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इंद्र के अंदर क्या आ गई, सम्मान की इच्छा। और सम्मान की इच्छा आदमी को क्या कर देती है, एकदम पीड़ित बना देती है। मान लीजिए अभी आप ऐसे चमड़ी को ऐसे करते हैं, कुछ कष्ट होगा, नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पर एक क्या हो, फुंसी हो, समझ रहे, फूल गई हो, उसमें कुछ छुएगा, ए छुओ मत, समझ रहे हैं, क्या होगा, कष्ट होगा। ऐसे कोई चमड़ी में छुए कुछ अच्छा होगा, इनफेक्ट अच्छा लगेगा, वो अच्छा है। लेकिन अगर फुंसी हो गई, फूल गया है, पस हो गया, कोई वजह से फूकेगा, ए मेरे बगल में मत फूक, समझ रहे। तो वैसे इंद्र को क्या हो गया था, अहंकार का फोड़ा हो गया था, अहंकार का फोड़ा। और भगवान देखे कि इसका फोड़ा फोड़ना पड़ेगा, ऑपरेशन करना। अगर इसका फोड़ा का ऑपरेशन नहीं हुआ तो फिर इसका और बढ़ते जाएगा, फिर और तकलीफ होगा। तो भगवान ने बोला इसका अहंकार का फोड़ा का हम क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो भगवान कृपा करके क्या किए, उसके फोड़े को फोड़ दिया। जब फोड़ते हैं तो फिर बड़ा समझ रहे हरि बोल हो जाता है। तो वैसे ही जब जीवन में भक्तों का अहंकार आया तो भगवान क्या करते, फोड़ देते। बोलता फोड़िए मत भगवान, क्या करें यार, भगवान बोलते यही सही है। तो इंद्र जब फोड़ने लगे तो इंद्र परेशान हो गया, देखिए कैसे क्या क्या करने लगा। उसने पूरे ब्रजवासियों को अटैक कर दिया, सब मार दो। बारिश इतनी जोर से करने लगा कि बोला जाता था बारिश की बूंदे नहीं, जैसे लग रहा था हाथी का पांव गिर रहा है, एक पिलर ऐसे लगा था कि खंबे गिर रहे हैं। तो सोचिए आपके ऊपर बारिश ऐसी हो, खंबा गिरने लगे तो घर पर सब टूट जाए। लेकिन उसकी अहंकार के कारण विवेक नष्ट हो गया और उसने ऐसा जानलेवा हमला करने का प्रयास किया। और सब लोग वृंदावन में एक खासियत है, सब लोग किसकी शरण लेते हैं हर स्थिति में, कृष्णा। सब लोग चिल्लाए ले कृष्णा कृष्णा कृष्णा, अब सब लोग चिल्लाए ले कृष्णा आप ही रक्षा करो। पूरी तूफान आ गया और ब्रज में सभी लोग परेशान है। लेकिन ब्रजवासियों का ऐसा भाव है कि अपने लिए नहीं प्रार्थना करें, वो लोग बोल रहे कृष्णा गायों की रक्षा करो, इसकी रक्षा करो। उनके जीवन में उनके ऊपर भी आ रहा है, लेकिन वो लोग भगवान से प्रार्थना करो गायों की रक्षा करो। भगवान देखे अरे, और फिर आगे देखो अच्छा हीरो बन रहा है इसको तो बताया। और भगवान ने क्या किया, तुरंत गए और गोवर्धन नीचे से ऐसे उठा दिया और सबको बोला सब लोग आ जाए, सब लोग आ जाए, सब लोग आ गए। और 7 दिन 7 रातों तक सुंदर उत्सव चला। सब लोग की इच्छा थी वृंदावन में किसका दर्शन करने की, कृष्ण का दर्शन करने की। ब्रज में जितने भी लोग थे, कृष्ण इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे, उनका नाम था श्याम सुंदर।
इस दुनिया में लोग काले लोग अच्छे नहीं लगते, लेकिन कृष्ण है काले नहीं है, वो आध्यात्मिक है, उनका श्याम वर्ण है, वो श्याम वर्ण में भी इतने सुंदर लगते, इतने सुंदर लगते, कोई भी देख के उनको देख पागल हो जाता। तो गोपी लोग जो माँ के वात्सल्य भाव वाली गोपियां होती थी, कृष्ण को रात को खाना खिलाती थी, उसको पालन करती थी, उसको श्रृंगार करती थी, और जब कृष्ण जंगल में चले जाते तो रोने लगती थी कि कृष्ण जंगल में चले जाए, उनको कष्ट हो रहा होगा। चलती यद ब्रजा चारण पशु नलिन सुंदरम नाथ ते सिर तिणाकुरे से दही तिना अलता मना कांत गाती। तो रोने लगती थी, भगवान आप जंगल में जाएंगे, आप छोटे छोटे पांव है, एकदम मक्खन से भी ज्यादा एकदम एकदम कोमल है, कहीं वो अगर किसी तुम तिनके पे फंस जाए, कांटे फंस जाए, तो हमसे वो सहा नहीं जाए। तो इस प्रकार से वो लोग कृष्ण के साथ दिन रात रहना चाहती थी, लेकिन कृष्ण को चारण चले जाते थे तो दिन भर तड़पती रहती थी, कब कृष्ण शाम को आएंगे, फिर कब हमारे हृदय शांत होगा। वैसे गोप लोग दिन भर कृष्ण के साथ लीला करते थे, फिर रात को जब उनको बिछुड़ दिया जाता था तो उनको रात भर नींद नहीं आती थी, अरे कृष्णा सुबह कब होगी, हम कृष्ण के साथ फिर खेलने कब जाएंगे। इस प्रकार से सब लोग की वृंदावन में इच्छा थी कि कृष्ण के साथ क्या करें, हम 24 घंटा संग करें, लेकिन संभव नहीं था। लेकिन कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण सब कुछ को संभव कर देते, कृष्ण ने क्या उठा दिया गोवर्धन, और 7 दिन 7 रात तक ब्रज में जितने भी गोपियां थी, जितने भी गोप थे, जितने भी गैया थी, सब लोग किसका एक टेक कृष्ण का दर्शन। तो भगवान बहुत ही सुंदर सबको दर्शन दिए, सब लोग एकदम प्रेम से एकदम पागल हो गए। और इंद्रदेव अभी भी समझा रहे, खूब बारिश किया जा रहा है, समझ रहे, सोच रहा है कि छोड़ेंगे नहीं हम लोग, लेकिन जाके राके साइयां मार सके ना, कुछ नहीं कर पाया। और उधर कभी कभी कोई जानवर बाहर निकल गया और इंद्र बारिश बरसा रहा, लेकिन बारिश तूफान का फिर भी एक छोटा तुमका भी नहीं हिला, इतना तूफान लाने के बाद, इतना बारिश करने के बाद भी एक छोटा तुमका भी हिला नहीं पाया। इंद्र फू फू किए जा रहा है, बारिश फेंके जा रहा है, लेकिन और उधर छोटा छोटा हिरण लोग देख रहे, तो इंद्र पूरा हरी बोल हो गया, समझ रहे। तो इस प्रकार से इंद्र का पूरा अहंकार समझ गया कि ऑर्डिनरी आदमी नहीं ये कृष्ण, क्या है ऑर्डिनरी आदमी, लेकिन इतना बड़ा उसे क्या हो गया था, देख सकते हैं आप लोग, इतना सुंदर चित्र है कैसे कृष्ण ने क्या उठा दिया गोवर्धन, और बाई हाथ की बाई उंगली से उठा दिया। ऐसा नहीं कि कृष्ण को बाइसेप्स के साथ उठाना पड़ा, कितना बड़ा पहाड़ उठाना, आज भी वो पहाड़ वृंदावन, और कृष्ण ने बाई हाथ की चुटकी उंगली से, कभी कभी बहुत आसान काम बोले बाएं हाथ करके, लेकिन बाएं हाथ में सबसे कमजोर क्या है, कृष्ण ने पहले ऐसे उठाया था, और फिर सब लोग डरे हुए थे, कृष्णा ने रोमांच को बढ़ाने के लिए इसे कर, सब लोग पूरा कर लिया भाई, और ऐसे होता इतना प्रेम करती थी, वो मलहम लेके आने लगी, अरे मेरा बेटा इतना दिन से उठाया, कहीं कहीं उसको क्या करना चाहिए, दर्द हो गया, मोच आ गई होगी। तो ब्रज के लोग का ऐसा भाव है, सब लोग एकदम सब लोग उत्सव बना रहे थे कृष्ण की सुंदरता को देखते हुए। तो इस प्रकार से इंद्रदेव अब क्या हो गए, वो एकदम घबरा गए कि भाई हमसे क्या हो गया है, गलती हो गई, बॉन्डर आदमी निकला, समझ रहे हैं, क्योंकि ऑर्डनरी आदमी यही लगता भगवान ने हमसे गलती हो गया, अब लेकिन जाए कैसे, बहुत बड़ी गलती हो गई थी, भक्तों को कष्ट दिया था, भक्तों को कष्ट नहीं देना चाहिए, भगवान को कष्ट दे तो उतना बुरा नहीं लगता है किसी को, लेकिन भक्तों को कष्ट देता तो भगवान पूरा गुस्सा हो जाते हैं। अच्छा आप बताइए, अगर आप बहुत धूप है, धूप में जा रहे हैं, बहुत जोर की धूप है, आप रोड पे चल रहे, आप रेगिस्तान में चल रहे, तो आपके सर को ज्यादा कष्ट होगा, पांव को ज्यादा कष्ट होगा। अगर आप रेगिस्तान में चल रहे हैं तो पांव में ज्यादा जलता है कि सर पे जलता है, पांव आप चल रहे, हम लोग जैसे एक बार गोवर्धन परिक्रमा कर रहे बंगाली ग्रुप के साथ, तो इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी, अब चप्पल लिए थे नहीं हम लोग कोई,
तो सब लोग हर 10 सेकंड में दौड़ के एकदम 100-100 मीटर परिक्रमा सबको याद है जो भी बंगाली ग्रुप में गए थे तब इतनी गर्मी एकदम दोपहर को एकदम तो सर को तो कैसे और सब लोग सह लेते थे धूप, लेकिन पाँव की धूप जला देता फोखा कर देता था। कुछ लोग चप्पल उप्पल खरीदने लगे फिर वो प्रवचन दिया तो फिर छोड़ दिया। तो इस प्रकार से तो भगवान के भक्त कहाँ रहते हैं, भगवान के सर पे रहते हैं कि पाँव पे? तो इसलिए भगवान को पाँव को जब कष्ट होता है भगवान बहुत गुस्सा आता है। इसलिए कोई भक्तों को कष्ट देता है तो भगवान पूरा एकदम बोलते हैं बहुत हो गया छोड़ेंगे नहीं। तो इंद्र ने किसको कष्ट दिया? भक्तों को। तो भगवान पूरा एकदम बोले छोड़ेंगे। एक बार हमारे एक स्टूडेंट थे मुर्शिदाबाद में, बैंक में काम कर रहे थे, तो बैंक का मैनेजर उनको बड़ा परेशान करता, उनसे थोड़ा सा पर्सनल इशू बना लिया था। तो उनसे रात को 10 बजे तक काम करवाएगा, जो क्लर्क से काम नहीं करा इनसे करवा, उनसे बड़ा परेशान हो गया। फिर बोला मुझे प्रार्थना के लिए पड़ता कि कलकत्ता हो जाए, तो उसका कलकत्ता हो गया। तो फिर उसको एक बार वो मुर्शिदाबाद गया था, तो उसके वहाँ के जो फ्रेंड्स थे जो बैंक में 4-5 एम्प्लॉइज थे, बोलते आप बहुत अच्छी भक्ति करते। तो बोले कैसे? बोलते मैं तो आप लोग ज़्यादा भक्ति दिखाया नहीं अपनी। बोला नहीं नहीं आपका जो मैनेजर आपको परेशान करता था ना, उसका हरी बोल हो गया। बोले कैसे क्या हो गया? तो बोला कि बैंक में कुछ लोन, एक बहुत अमीर आदमी था उसको कोई कंपनी था, तो उसने कुछ लोन सैंक्शन करा दिया 2-4 करोड़ का, और वो बहुत अमीर आदमी था, उसका बहुत कॉन्टेक्ट था, तो ये लोन इसको सैंक्शन करना पड़ा। तो उसको धमकी दिया था नहीं सैंक्शन करेगा तो हमको, और अगर सैंक्शन करेगा तो फिर वो फंस जाएगा, बिकॉज वो पैसा देगा नहीं, आदमी चोरी करने वाला था। पैसा भी ऐसा चीज़ है कि अरबों रुपया हो तो आदमी को और पैसे की भूख बढ़ जाती है। एक अरबपति आदमी और पैसा बैंक से चोरी करता चाह रहा है, लोन लेगा पैसा देगा नहीं, समझ रहे? अब ये आदमी सैंक्शन करेगा तो इसको बैंक का नियम है कि आप अगर सैंक्शन किया तो आप फंसोगे तो आप ही को देना पड़ेगा। तो बेचारा ये देना नहीं चाहता कि हम साइन कर देंगे और फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसको देखना था कि उस आदमी का कहीं और पहले का लोन बाकी नहीं, इसका पहले और बैंक में बहुत सारा पैसा उठाया था दिया नहीं, ये चोर था मतलब अरबपति चोर। तो ये बैंक मैनेजर को पता था कि इसका तो आदमी का मतलब पैसा लेगा देगा नहीं, बैंक को नुकसान होगा तो बैंक हमको फंसाएगा, तो देना नहीं चाहता। तो ये आदमी क्योंकि बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी, बोला देगा नहीं तो हम लोग फंसा देंगे। तो उसने क्या कि कुछ वैसे अवश्य को भेज दिया और उसको पूरा केस उसमें पुलिस केस फंसा दिया, समझ रहे हैं? हरी बोल। तो इसलिए भक्तों को कष्ट देगा ना तो उसके जीवन में फिर बहुत झमेला हो जाता है। इसलिए भक्तों को कष्ट देना नहीं चाहिए, भक्तों को कष्ट देंगे आप तो बहुत बुरी स्थिति होती है। इस पर इंद्र ने बड़ा कष्ट दिया भक्तों को, तो भगवान क्रोधित हो गए। लेकिन फिर वो अब इंद्र को समझ में नहीं आ रहा है, इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए क्या करें भाई, हमको तो देखने में डर लग रहा है कृष्ण को, तुमको लग रहा है जला जला के राख कर देंगे, समझ रहे? ध्यान ही नहीं दे रहे हमारे पर। तो ब्रह्मा जी बोला तुम इतना बड़ा गलती क्यों किया, तुम बुद्धि नहीं है क्या, अपना हीरो समझ तुम सोचते, तुम ही इंचार्ज है, पानी तुम दे रहे, भगवान दे रहे, तुम भगवान का अनादर क्या, ऐसे पागल है क्या? अब क्या करें, रोने लगा इंद्र। बोले देखो एक उपाय, भगवान भक्तों लोग अगर आपके आपका पक्ष लेके जाएंगे तो भगवान माफ कर, तो आप सुरभि में या सुरभि गाय को समझाइए, उनसे विनती कीजिए, अगर वो आपके पक्ष से आपके प्रार्थना करेंगे तो भगवान। तो इंद्र सुरभि गाय के पास जाते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तो फिर माँ का स्वभाव होता है बच्चे पर दया करना, तो सुरभि गाय दया करती है इंद्रदेव पर, और फिर वो जाती है जब कृष्ण के सामने, तो कृष्ण इंद्र को माफ। तो ठीक है जीवन में हमसे गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन अगर हम भक्तों का आश्रय लेंगे, उनसे याचना करेंगे, तो फिर हमारी गलतियाँ माफ कर दी जाएंगी। और भक्तों का सबसे बड़ा आदेश है प्रभुपाद जी का कि हम माला अच्छे से करें। तो कल एकादशी है, आप लोग प्रयास करें ज़्यादा माला करने का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। संभव हो तो आप ज़्यादा उपवास करें, कम से कम खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। और इस एकादशी तिथि की बड़ी महात्मा है, भगवान को बड़ी प्रिय है माधव तिथि भक्ति जननी, जतन पालन कोरी। तो प्रयास कीजिए अच्छे से हम इस एकादशी तिथि का आश्रय लें, ठीक है? क्योंकि ये तिथि भगवान को बहुत प्रिय है। कल के दिन अगर सही से भजन करता है तो उसके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होने लगता है। तो आप लोग सबसे विनती है कि थोड़ा जल्दी उठने का प्रयास करें, कल आप जितनी माला करते थोड़ा बढ़ाने का प्रयास करें, कल का दिन कम से कम खाने का प्रयास करें, ज़्यादा से भजन करें, तो आप देखेंगे आपकी दिव्य भक्ति से और भी लोग प्रभावित होंगे,
आपका हृदय भी शुद्ध होगा और जीवन में आने वाली स्थिति आपको और भगवान के निकट लाएगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 श्री प्रभुपाद की जय। तो क्वेश्चन आज नहीं लेंगे, कल लेंगे, ठीक है, बिकॉज हमारे कुछ और कार्य हैं। हरे कृष्णा।